हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस तारीख हो चुकी है 9 अक्टूबर 2022, और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी काफ़ी सारी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं आईपीएल 2023 के रिगार्डिंग। इसके साथ ही टी20 वर्ल्ड कप को लेकर भारत साउथ अफ्रीका सीरीज़ के रिगार्डिंग भी हमारे सामने आठ काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट और आईपीएल के बड़े फैंस हैं तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइस, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज़ अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, और ये अपडेट निकल कर आ रही है महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से, जहां पर MST अब क्योंकि हमें आईपीएल की नीलामी देखने को मिलने वाली है कुछ महीने पहले, और अगर आप लोग हमारे चैनल के एक्टिव व्यूअर हैं तो हमने आपको पहले भी इस बात की इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो MST हैं उन्होंने इस बार अनाउंसमेंट की है कि जो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की ऑक्शन टेबल रहने वाली है इस बार, उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपको MST का देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, शायद ही उनका आखिरी आईपीएल सीजन हो सकता है, तो ऐसे में आने वाले टाइम में फ्यूचर में भी वो CSK के टीम को मझधार में छोड़कर नहीं जाने वाले, और वो CSK को एक ऐसी टीम देकर जाएंगे जो कि आने वाले कुछ सालों तक CSK को अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करवा के देगी। तो ऐसे में MST इन सब चीजों के लिए ऑक्शन के रिगार्डिंग चेन्नई पहुंच चुके हैं, जहां पर अब वो CSK के ऑफिशियल्स के साथ मिलते हुए नजर आएंगे और वहां पर ये अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग को बिल्ड करते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है आज होने वाले भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेकेंड ODI मुकाबले को लेकर, जहां पर पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत की टीम को बीट कर दिया था, और ऐसे में दूसरा जो मुकाबला होने वाला है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि अगर इस मुकाबले को हारते हैं तो ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाएगी, जो कि भारत की टीम बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। ऐसे में इस मुकाबले को जीतना मस्ट विन रहेगा, अगर यहां पर हारे तो यह सीरीज यहीं पर हमें खत्म होते हुए देखने को मिलेगी। ऐसे में भारतीय टीम की साइड से रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि दीपक चहर इस पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ही तगड़ा झटका है। तो ऐसे में शायद जो आखिरी मुकाबले में हमने टीम देखी थी उसी टीम के साथ भारतीय टीम सीट करती हुई नजर आएगी, क्योंकि यही एक ऐसी टीम है जो कि हमें अभी के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट, जो कि एक बहुत ही बुरी अपडेट निकल कर आ रही है डेविड मिलर के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं आप लोगों के लिए, और ये चीज ये है कि अगर आप लोगों ने ये न्यूज सुनी होगी कल के डेविड मिलर की डॉटर की डेथ हो चुकी है, तो ये न्यूज बिल्कुल फेक है। दरअसल डेविड मिलर की डॉटर नहीं है जिनकी फोटो सर्कुलेट की गई है, वो ऐसा लगा था उनकी फोटो को देखकर कि शायद वो उनकी अपनी बेटी हैं, लेकिन ये एक बेसिकली कैंसर पेशेंट है जो कि बहुत छोटी बच्ची थी, और डेविड मिलर इनको पिछले काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये मिलर की बहुत बड़ी फैन थी। ऐसे में कैंसर के साथ बैटल करते करते इनकी जान चली गई है, तो डेविड मिलर ने उसी चीज़ के रिगार्डिंग इनकी फोटो पोस्ट की थी, क्योंकि ये इनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, और सच में काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग हमें फोटो देखने को मिल रही है। अब इसके बारे में ज़्यादा फोटोज ज़्यादा वीडियोज़ हम सर्कुलेट नहीं करना चाहते, बस हम इतना ही बोल सकते हैं कि ये जो छोटी सी बच्ची थी जो डेविड मिलर को छोड़कर जा चुकी है, हमें छोड़कर जा चुकी हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से, जहां पर फाइनली मुंबई इंडियंस को अब जोफ्रा आर्चर के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल चुकी है। दरअसल जोफ्रा आर्चर के रिटर्न के रिगार्डिंग ये अपडेट निकल कर आ रही है कि वो जनवरी महीने में रिटर्न करने वाले हैं क्रिकेट में, और ऐसे में जनवरी महीने में अगर वो रिटर्न करेंगे तो आईपीएल हमें जनवरी महीने के बाद यानी कि अप्रैल मार्च में देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे में अब मुंबई इंडियंस की टीम के प्लान्स यहां पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगे ऑक्शन के हिसाब से, क्योंकि अगर जोफ्रा आर्चर को वो रिटेन करते हैं तो फिर उन्हें किसी ना किसी ऐसे बड़े प्लेयर को अपनी टीम से रिलीज जरूर करना पड़ेगा जिससे कि उनका बैलेंस पर्स बढ़ जाए। अभी करेंटली जोफ्रा आर्चर अगर इनकी टीम में रिटेन होते हैं तो वो 8 करोड़ रुपए भी अपने साथ लेकर जाएंगे, और ऐसे में जोफ्रा आर्चर के आने से मुंबई इंडियंस की बॉलिंग तो काफी अच्छी हो जाएगी फास्ट बॉलिंग की अगर हम बात करें, लेकिन अभी भी काफी सारे डिपार्टमेंट हैं जहां पर इनको सुधार करने की जरूरत है। जैसे कि मुंबई इंडियंस की टीम को स्पिन डिपार्टमेंट पर सुधार की जरूरत है, इसके साथ ही बॉलिंग ऑलराउंडर्स की भी इनकी जरूरत है। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि क्या आप आर्चर को रिटेन करने वाले या फिर रिलीज। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है सौरव गांगुली की तरफ से, जहां पर सौरव गांगुली ने बताया है कि आईपीएल 2022 में हमने 8 की जगह 10 आईपीएल टीमें देखी थी, लेकिन इनका जो इनिशियल प्लान था वो 10 टीमों का था ही नहीं, बल्कि ये चाहते थे कि आईपीएल में हमें सीधे 12 टीमें देखने को मिले। लेकिन इनके अकॉर्डिंग जब इन्होंने इस चीज के रिगार्डिंग ICC और उसके साथ ही बाकी के क्रिकेटिंग नेशन से परमिशन मानी तो उन्होंने ऐसा करने से बिल्कुल भी मना कर दिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर ये ऐसा करते तो फिर आईपीएल की विंडो और भी ज्यादा बढ़ जाती। ऑलरेडी आईपीएल की वजह से हमें करीब करीब 3 महीने तक कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट देखने को नहीं मिलती है, और अगर 10 की जगह 12 आईपीएल की टीमें होती तो फिर ये ड्यूरेशन और भी ज्यादा बढ़ जाती, और करीब करीब 3.5 से 4 महीने तक तो आईपीएल ही चलता रहता और उससे इंटरनेशनल क्रिकेट काफी ज्यादा अफेक्ट हो जाता। तो इनके अकॉर्डिंग 12 आईपीएल टीमों को खिलाने का जो प्लान है वो अभी भी ऑन है, लेकिन वो इसको इस बार इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले सालों में इनके अकॉर्डिंग 12 आईपीएल टीमें आप लोगों को देखने को मिलेंगी।
आगे बढ़ते हैं गाइज, बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में। और गाइज ये अपडेट निकल कर आ रही है T20 वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग अपडेट है कि जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर जिस प्लेयर को ऑस्ट्रेलिया भेजा जाना है उसके अनाउंसमेंट आप लोगों को आज देखने को मिलने वाली है। जब भी ये अनाउंसमेंट होती है हम इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर अनाउंस कर देंगे। तो अभी तक आप में से जितने भी लोगों ने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, 6000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद है, तो अभी फटाफट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री है। तो ऐसे में टेलीग्राम चैनल के ऊपर तो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन हम अभी हम यहाँ पर भी बता रहे हैं कि मोहम्मद शमी ही मोस्ट प्रोबेबली वो रिप्लेसमेंट होने वाले हैं जो कि जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट के तौर पर आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलते हुए नजर आएंगे 11 तारीख को, क्योंकि मोहम्मद शमी पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं। तो ऐसे में कोई भी चांस नहीं है कि मोहम्मद सिराज को उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा, क्योंकि मोहम्मद शमी का जो एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया में वो काफ़ी ज़्यादा भारतीय टीम के काम आ सकता है बुमराह की एब्सेंस में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रही है पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से, जहां पर पंजाब किंग्स की टीम की साइड से ऐसे पहले दो इनिशियल नाम हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं जिनको पंजाब किंग्स की टीम अब इस ट्रेड विंडो के लिए अवेलेबल कर चुकी है। इसके साथ ही ट्रेड विंडो में इनको अवेलेबल करने का ये भी सीधा सीधा मतलब है कि पंजाब किंग्स की टीम आने वाले IPL की नीलामी में इन प्लेयर्स को आप लोगों को 100% रिलीज करते हुए नजर आएगी। अगर इन प्लेयर्स की बात की जाए तो इनमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं पंजाब के गेंदबाज वैभव अरोड़ा, और उनके साथ ही दूसरे नंबर पर आते हैं शाहरुख खान। वैभव को तो खैर इस बार यंगस्टर के तौर पर ही टीम में शामिल किया गया था, लेकिन शाहरुख खान को पिछले 2 साल से पंजाब किंग्स की टीम ने काफी सारे चांसेस दिए। इस बार की नीलामी में तो इन्होंने एक अनकैप प्लेयर होने के बावजूद उनको 5 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। तो ऐसे में शाहरुख खान का परफॉर्मेंस हमें बिल्कुल भी अप टू द मार्क देखने को नहीं मिला। ऐसे में पंजाब किंग्स की टीम ने ना सिर्फ इनको ट्रेड विंडो के लिए अवेलेबल कर दिया है, बल्कि इसके साथ ही अब 100% इस बात के चांसेस बन चुके हैं कि जो इस बार की IPL की नीलामी हमें देखने को मिलेगी उसमें भी ये रिलीज होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रही है IPL 2022 नीलामी के ऐसे 5 अनसोल्ड प्लेयर्स के रिगार्डिंग जो कि IPL 2023 में हमें ना सिर्फ वापस से नीलामी में देखने को मिलेंगे, बल्कि पिछले बार के अनसोल्ड प्लेयर्स हमें इस बार सोल्ड होते हुए भी देखने को मिलने वाले हैं। इन प्लेयर्स के लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं शाकिब। लास्ट टाइम पर तो इनका कुछ अजीब ही केस हुआ था, ऑक्शन में परमिशन के चक्कर में पिक नहीं किए गए थे। दूसरे नंबर पर आते हैं स्टीव स्मिथ, जो कि अब धीरे धीरे T20 क्रिकेट में भी दिखा रहे हैं कि वो बल्ले और फील्ड के साथ काफी ज्यादा अच्छा योगदान दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं डेविड मलान, जो कि इंग्लैंड की टीम के नंबर 1 प्लेयर हैं, लेकिन ऐसे में जो IPL है उसमें परफॉर्मेंस काफी डिसअपॉइंटिंग रहा था, तो इस बार डेविड मलान जरूर सोल्ड आउट हो सकते हैं। इसके बाद इस लिस्ट में नाम निकल कर आता है क्रिस लिन का। लिन भी हमें लास्ट टाइम पर अनसोल्ड रहते हुए नजर आए थे, लेकिन इस बार ऑलरेडी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इनको अपनी टीम में लेने वाली है। और आखिरी नंबर पर आते हैं ऑन मॉर्गन, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने के बाद IPL में बिक सकते हैं। तो गाइज ये वीडियो ही तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।